Baby Blue, Baby Blue, I know what she did to you. Baby Blue, Baby Blue. I am telling you, मुझे ऐसा लगा कि किसने मेरे कानों में आके ना बोला. मेरे ना शोल्डर्स पे ना यहाँ पे पेन हो रहा था, थोड़ा 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 पेन हो रहा था. मतलब होता ना कि लगता है कि बहुत. हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल. आई होप कि बैकग्राउंड देख के आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा स्पूकी, क्रीपी एंड हॉन्टेड होने वाला है. पर आज मैंने स्पेशली ब्लू कलर का ड्रेस पहना है क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ बेबी ब्लू चैलेंज, वो भी रात के 3 बजे. लास्ट वीक में ही आपको एक वीडियो में बेबी ब्लू का फुल स्टोरी सुनाया था एंड उस वीडियो में मैंने बोला था कि अगर 30K लाइक्स हो जाते हैं उस वीडियो में देन मैं ये चैलेंज करूँगी. एंड यार, आप लोगों ने 73,000 लाइक्स कर दिए उस वीडियो में. मतलब करना ही पड़ा यार. तो आपके हुक्म सर आँखों पर. आप मुझे कुछ भी बोलते हो, मैं टाल नहीं पाती हूँ चाहे मुझे जितना भी डर लगे. तो करने वाले हैं हम बेबी ब्लू चैलेंज, जो कि दुनिया के लाखों लोगों ने किया है एंड उनमें से बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल हॉन्टेड चीज़ें एक्सपीरियंस करे हैं. बट उससे पहले आप बेबी ब्लू का एंड डेजी ब्लू उसकी माँ का जो स्टोरी है वो प्लीज सुन लीजिए. तो ये स्टोरी है डेजी ब्लू नाम की एक लड़की का. वो अकेले रोती थी, अकेले कभी कभी हंसती थी, कभी चीखती थी, कभी दौड़ती थी, भागती थी. एंड वो मासूम सा बच्चा उस घर में इस पागल औरत के साथ अकेले रहता था. फोटो फ्रेम को उठा के उसने जमीन पे जोर से पटक दिया एंड वो फोटो फ्रेम टूट गया. एंड उस बच्चे का रोने का आवाज सुन के, डेजी का खुद के बच्चे का रोने का आवाज सुन के उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उस फोटो फ्रेम से ही एक टुकड़ा उठाया कांच का. एंड इस कांच के टुकड़े से वो अपने खुद के बच्चे का जान ले लिया. उस कांच के टुकड़े से उसने कई बार अपने बच्चे को स्टैब किया, कई बार वार किए उस बच्चे के ऊपर एंड वो बच्चा मर गया. एंड इसके बाद वो सेम कांच के टुकड़े से उसने अपना भी गला काट लिया. डेजी ब्लू अभी भी आईने के पीछे कैद है. वो अभी भी हर एक आईने के पीछे अपना घर बसाई हुई है. एंड अगर रात के 3 बजे कोई भी मोमबत्ती जला के सारे लाइट्स ऑफ करके आईने के सामने जाके हाथों को ऐसे रख के जैसे कि बच्चे को पकड़ रखा हो, तो बस ऐसे हाथ को पकड़ के बोलना है आईने के सामने, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू. एंड ये बोलने के बाद आपको अपने हाथों पे एक बच्चे का वजन महसूस होगा. आप फील करोगे कि आपके हाथ में कुछ है. एंड आईने में कुछ ही देर में आपको डेजी ब्लू की पागल आत्मा दिखेगी जो कि बहुत जोर से चीखेगी आपको देख के, आपको डराने की कोशिश करेगी. एंड इतनी जोर से वो चीखेगी कि आपको लगेगा कि आप हाथ को ऐसे करके कानों को पकड़ लो. बट अगर आप हाथों को छोड़ देते हो, उसके बच्चे को गिरा देते हो नीचे, तो वो आपके नुकसान ज़रूर करेगी. एंड जब वो आपके नुकसान करेगी तब आप कहीं भाग भी नहीं पाओगे क्योंकि वो छोटा सा बच्चा बेबी ब्लू नीचे से आपके पैरों को पकड़ के रखेगा. तो सुन लिया आपने ये स्टोरी. माना जाता है गाइस कि अगर ये वाला चैलेंज करने में आप कामयाब हो गए देन आप ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हो आप वो पा सकते हो. एंड अगर आप ये चैलेंज नहीं कर पाते हो
देन आपको बहुत बड़ा कोई नुकसान होता है। तो चलिए मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, कैंडल्स जलाती हूँ एंड स्टार्ट करते हैं आज का ब्लू बेबी चैलेंज। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने सारे के सारे लाइट्स ऑफ कर दिए हैं एंड यहाँ पे सिर्फ मैंने कैंडल्स जलाए हैं। पता नहीं यार, चैलेंज करने से पहले ना ये एम्बियंस देख के मुझे डर लग जाता है। तो जो पहला पहला पार्ट है, उसमें हम लोग बेबी ब्लू ब्लू बेबी बोलने वाले हैं फॉर 13 टाइम्स, क्योंकि 13 मतलब कि 13 एक अनलकी और कर्स्ड नंबर होता है। सो लेट्स डू इट। बेबी ब्लू ब्लू बेबी, 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 कैसा आवाज था। गाइज, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, मुझे हाथ में कुछ भी भारी फील नहीं हुआ, बट ट्रस्ट मी, होता है ना कि आपको कुछ नेगेटिव जैसा फील होता है ना, आई एम एग्जैक्टली फीलिंग लाइक दैट। मतलब मुझे ना लग रहा है कि मेरे आसपास बहुत ही ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी सा हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, आई जस्ट कांट टेल यू कि मैं अभी क्या फील कर रही हूँ। मतलब मैं अभी बोलने के हालत में नहीं हूँ, मतलब मैं ना सच्ची बोल रही हूँ, आईने में सिर्फ कैमरा के सिवा और कहीं पे भी देख भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। इस बार मैं वही बोलने वाली हूँ जिससे बोला जाता है कि डेजी ब्लू बहुत ज़्यादा प्रोवोक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो लेट्स डू इट। बेबी ब्लू बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। गाइज, आई स्वेयर मतलब मुझे ना एक जैसी आवाज़ आई कानों में यार, मतलब वो जो होता ना करता है कोई कि चुप हो जाओ, वैसा वाला आवाज़ आया यार। आई स्वेयर मुझे लगा कि कोई मुझे बोल रहा है कि चुप, मतलब समझ सकते हो ना आप, मुझे लिटरली ठंड लग रही है। ओके, वी नीड टू कंप्लीट इट। बेबी ब्लू ब्लू बेबी, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू बेबी, fuck me।
I don't know. मतलब आई डोंट नो गाइस, मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे अभी क्या फील हुआ. प्लीज मैं पहले कैंडल्स बुझाती हूँ. आई कांट टेल यू गाइस मुझे क्या फील हुआ अभी. मुझे नहीं पता मैं आपको बोलूंगी तो आप कैसे विश्वास करोगे, क्योंकि आई कांट बिलीव दिस. आई स्वेयर गाइज, मैंने इतने सारे चैलेंजेस करे हैं, आज तक कभी किसी चैलेंज में मेरे साथ ऐसा फील नहीं हुआ मुझे. आई स्वेयर आई एम फीलिंग लाइक ब्रेथलेस. ट्रस्ट मी, मेरे को इतना ज्यादा डर लग रहा है ना कि आई एम फीलिंग ब्रेथलेस राइट नाउ. दो मिनट बाद बात करती हूँ. गाइज आई रियली डोंट नो कि मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये वाला चैलेंज करने के बाद. मतलब मैंने इतने सारे चैलेंजेस किए हैं, आई स्वेयर, मतलब बाय गॉड मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, कभी भी मुझे ऐसा फील हुआ ही नहीं. एंड ट्रस्ट मी, अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, अभी तक आई एम लाइक शिवरिंग. आई एम टेलिंग यू, जब मैं चैलेंज कर रही थी ना रात के 3 बजे, मेरे घर में क्या, मेरे पूरे मोहल्ले में सबको ही सो जाता है. आई डोंट नो, जब मैं चैलेंज कर रही थी तब वो आवाज़ कहाँ से आया, आई हैव नो आइडिया. मुझे वो भी नहीं पता कि वो आवाज़ एक्चुअल में हुआ था या फिर मेरे ही कान बजे थे. नंबर टू, मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कानों में आके ऐसे किया, आई एम टेलिंग यू, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कानों में आके ना बोला. तो चलो वो भी मान लिया कि वो हवा का आवाज था. एंड आई एम टेलिंग यू, लास्ट में जब मैंने ना वो चैलेंज करना बंद कर दिया, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों, बट मैंने जब ऐसे किया हुआ था ना, मुझे ना मतलब हाथ भारी लग रहे थे या क्या हो रहा था, आई डोंट नो, मेरे ना शोल्डर्स पे ना यहाँ पे पेन हो रहा था, थोड़ा 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 पेन हो रहा था. मतलब होता है ना कि लगता है कि बहुत पेन टाइप का होता है ना, कि आप हाथ ऐसे करके रहते हो तो आई कांट एक्सप्लेन. मैं आप, मेरे पास शब्द नहीं है वो फीलिंग्स आपको बोलने के लिए. आई जस्ट हाईली रिकमेंड कि घर पे ये वाला चैलेंज प्लीज बिल्कुल भी मत करना. तो हो सकता है साइंटिफिक वे में जो है कि मैंने ऐसे करके रखा था हाथ, ठीक है, ऐसे करके रखा था, तो ऐसे करके जब आप रखते हो तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के बाद ना, 5 से 10 मिनट के बाद आपके हाथ दर्द होने चालू हो जाते हैं, एंड इसीलिए आपके हाथ भारी लगते हैं. सोचो कि मैंने ये फ़ोन पकड़ रखा है ऐसे करके, तो अभी मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, बट अगर मैं 10 मिनट इसे ऐसे ही पकड़ के रखूं तो मेरे हाथों में दर्द होना चालू हो जाएगा. दैट्स अ नेचुरल थिंग, है ना. तो हो सकता है कि इसीलिए हुआ होगा एंड मैं इतनी ज्यादा डर रही हूँ डफर की तरह. बट पता नहीं क्यों यार, मुझे ना सच्चे बोल रही हूँ, इतना मैं लॉजिक दे रही हूँ फिर भी मुझे डर लग रहा है. आई डोंट नो, मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगा, कैसा आपको क्या लगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है गाइस, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, ठीक है, क्योंकि लास्ट जिस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं ये चैलेंज करूंगी, उस पे आपने 73,000 से भी ज्यादा लाइक्स किए हैं, तो प्लीज इस पे भी कर ही देना. एंड यार प्लीज दुआ कर लेना मेरे लिए थोड़ा सा. आई लव यू गाइज, प्लीज़ प्रे फॉर मी. हाँ, बाय बाय.